हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइव ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में जिसके वजह से दोस्तों आपकी बाइक की जो माइलेज है वो ड्रॉप होती है। एंड दोस्तों अगर आप इसको इम्प्रूव कर दें तो आपकी बाइक की माइलेज जो है बेस्ट हो सकती है। एंड दोस्तों आज के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट हो भी गया है बिकॉज आपको मालूम ही है प्राइस के जो रेट्स हैं वो अभी तक की हाईएस्ट प्राइस चल रहा है, मतलब 100 रुपये से ऊपर जो है आराम से पेट्रोल हो चुका है। तो जो प्राइस है उसको तो रेगुलेट आगे पीछे नहीं किया जाता पेट्रोल की, बट हाँ अपनी बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बेटर किया जाता है। तो उसके लिए कौन से ऐसे 5 मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करने चाहिए को ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों जैसे कि हमें मालूम है कि BS3 BS4 में जो था कार्बोरेटर मॉडल आता था, अब BS6 में जो है वो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा दिया है, ECU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब सभी चीज़ें ना कैलकुलेट की करके जो है वो अच्छे से आपको माइलेज दे, फ्यूल एफिशिएंट रहे, आपको परफॉर्मेंस अच्छा दे, सब चीज़ों के लिए एक जो मिनी ब्रेन है ना वो आपकी बाइक में डाल दिया गया है फ्यूल इंजेक्टर के साथ में। पहले कार्बोरेटर का वर्क अलग होता था, अभी फ्यूल इंजेक्टर का वर्क अलग होता है। बट दोस्तों अभी भी बाइक जो है फ्यूल एफिशिएंट नहीं बनी है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है ये 5 मिस्टेक जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है गेयर रेशियो। दोस्तों बहुत सारे राइडर्स को गेयर रेशियो के बारे में नहीं मालूम होता है कि कौन से स्पीड में किस गेयर पर राइड करना चाहिए, ये आइडिया नहीं होता है। वैसे तो यूज़र मैनुअल में डिटेल दिया रहता है बट वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और बेसिक तरीके से होता है। अगर हम बात करें 350 UC इंजन की, जो अगर चाहे वो बुलेट हो, स्टैंडर्ड हो, चाहे वो क्लासिक मॉडल भी हो, तो उसमें कैसा रहता है, नॉर्मली फर्स्ट गियर पे आप जो है 10-20 की स्पीड तक आराम से राइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड गियर पे 20-30, देन थर्ड गियर पे 30-40, देन फोर्थ गियर पे होता है थोड़ा सा रेंज जो है इंक्रीज हो जाती है, आप 40 से लेके जो है आराम से 60-65 तक जो है राइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिफ्थ गियर पे जो है 60+ स्पीड जो आपकी बाइक पे होना चाहिए ताकि आपको जो है स्मूथ राइड मिल सके। तो ये नॉर्मली जो है वो जो गियर रेशियो होता है, मतलब गियर की स्पीड रेंज होती है जो आपको फॉलो करना चाहिए स्टैंडर्ड वे में। एंड दोस्तों सेम वे में आपको डाउन भी करना होता है। डाउन गियर जब आप कर रहे होते हैं, जैसे आप फिफ्थ से फोर्थ पे आ रहे हैं, फोर्थ से थर्ड पे आ रहे हैं, तो इसी तरह से स्पीड रेंज जो है आपको फॉलो करना होना चाहिए। एक जब नॉर्मल राइडर जब इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है तो आराम से वो राइड कर जाता है। बट नॉर्मल जो मिस्टेक इसके अंदर होती है वो फर्स्ट या सेकंड गियर पे जो है ना हाई रिव कर देते हैं। हाई रिव मतलब अगर स्पीड रेंज अगर सेकंड गियर में 20-30 की है तो 35-40 तक लेके जाना है सेकंड गियर में। तो इस टाइम पे जो है फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न होता है, आपको जो है प्रॉपर पावर जो है वो व्हील तक नहीं पहुंच पाती है, आपको वो डिज़ायर स्पीड जो है वो भी नहीं मिल पाती है। तो इस टाइम पे आपका जो है फ्यूल बर्निंग ज़्यादा हो रहा था, मतलब माइलेज जो है आपको बहुत ज़्यादा कम मिलने वाली है। एंड यूजुअली ये लोग ट्रैफिक पे ज़्यादा करते हैं क्योंकि खींचने लग जाते हैं, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल जाने के लिए स्पीड करेंगे, रेस करेंगे, तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक अगर आप अवॉइड करते हैं, गियर रेशियो को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपकी माइलेज जो है बहुत ही बेटर हो सकती है। अब जो सेकंड पॉइंट भी है दोस्तों वो है हमारा ट्रैफिक राइड। अब ट्रैफिक में किस तरह से राइड किया जाए, ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा रिव नहीं करना है, तो कौन से गियर में चलाएं तो ताकि आपको माइलेज प्रॉपर मिले। जैसे मैंने बताया कि दोस्तों कि अगर आप स्पीड रेंज मतलब गियर रेशियो जो है अगर आप फॉलो करते हैं, भले ही आप फर्स्ट सेकेंड गियर में भी राइड कर रहे हैं ट्रैफिक में और आप ज़्यादा ओवर रिव नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी माइलेज जो है उतनी ज़्यादा फर्क नहीं करेगी, आपको कुछ ही डिफरेंस आएगा। लोग बोलते हैं कि हाईवे पर अच्छा माइलेज मिलता है और सिटी में बेकार माइलेज मिलता है, तो दोस्तों वो टोटली अगेन बोल रहा हूँ वो राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप सेकंड थर्ड गियर में भी चला रहे हो और आप ओवर रेव नहीं कर रहे हो, स्पीड रेंज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, तो दोस्तों आपको माइलेज जो है फ्यूल एफिशिएंट ही मिलेगी, थोड़ा बहुत ड्रॉप ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा मेजर ड्रॉप जो है आपको हाईवे एंड सिटी में नहीं देखने को मिलेगा। तो हमेशा जो है ट्रैफिक राइड में भी आप गियर शिफ्टिंग का जो है ध्यान रखिए एंड हमेशा लो राइड अगर लो गियर में चला रहे हैं तो स्पीड रेंज को फॉलो करिए। अब जो दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन मिस्टेक जो है राइड करते हैं, ओवर रिव जो बोलते हैं ना साउंड सुनाने के लिए बूम 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 करके जो निकलना होता है, मतलब अगर आप ट्रैफिक में भी खड़े हैं तो थोड़ा बूम बूम दे रहे हैं, एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है, थोड़ा पटाखा जो मारना, ये सब चीज़ें ना दोस्तों सभी चीज़ें माइलेज पर इफेक्ट करती हैं। जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करने में बूम बूम जो स्टार्ट करते हैं, वो सब चीज़ें करने से पेट्रोल जो है डायरेक्ट जो है इंजन में जा रहा होता है। अब देखिए इंजन का मूवमेंट करने के लिए पेट्रोल चाहिए, अब जितना ज़्यादा पेट्रोल जाएगा उतना ज़्यादा बूम होगा। अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपकी माइलेज सही होगी, अगर आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं
तो वो टोटली वेस्ट है। तो इसीलिए हमेशा जो है ओवर रिव करना जो है अवॉइड करिए। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद में लोग जो है ओवर रिव बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड फिर जब माइलेज नहीं मिलती तो लोग क्या करते हैं साइलेंसर पर नाम डाल देते हैं कि साइलेंसर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। तो साइलेंसर का वो प्रॉब्लम नहीं होता, मेन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है राइडिंग स्टाइल का। तो ओवर रिव अवॉइड करिए। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द बाइक मेंटेनेंस। दोस्तों बाइक का सर्विस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर BS6 बाइक है आपकी तो हमेशा दोस्तों एवरी 2-3000 किलोमीटर पे ना ट्राई करिए कि स्पार्क प्लग्स जो हों वो टाइम टाइम टू क्लीन हो जाए, जो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी क्लीन रहे दोस्तों, और सर्विसिंग जो है प्रॉपर रहे। अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल प्रॉपरली डला हुआ है, इंजन स्मूथली वर्क कर रहा है, स्पार्क प्लग टोटली क्लीन है, कंबशन प्रॉपर हो रहा है, तो आपकी बाइक हमेशा माइलेज अच्छी देगी। अगर सर्विस टाइम पे नहीं करा रखा और कार्बन ज़्यादा जमा हुआ है स्पार्क पे, स्पार्क प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो सारा फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होगा। एंड अगर इंजन स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो भी आपको जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो टाइम से सर्विस और मेंटेनेंस जो है ना वो टाइमली करवा दीजिए ताकि आपकी बाइक जो है फ्यूल एफिशिएंट रहे एंड आपको अच्छी माइलेज दे। दोस्तों फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कोल्ड स्टार्ट। दोस्तों ये मैंने भी एक्चुअली ट्राई किया हुआ है, डिफरेंस एक्चुअली में हमको देखने को मिलता है। ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं आता, बट हाँ आपको माइलेज में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपकी बाइक 2-5 घंटा जो है एक जगह पार्किंग में खड़ी है एंड जब भी उसको आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो एक बार अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट जरूर करिए। उससे क्या होता है सारा इंजन ऑयल जो है वो पूरा सर्कुलेट हो जाता है, इंजन थोड़ा वार्म अप हो जाता है दोस्तों, उससे माइलेज में तो फर्क पड़ता है साथ ही साथ जो है आपकी बाइक की जो इंजन लाइफ होती है वो भी बेटर हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग जो है रिकमेंड करते हैं, जब भी आप कोई प्रोफेशनल राइडर से भी बात करेंगे तो वो कोल्ड स्टार्ट का रिकमेंडेशन जो है वो जरूर करेगा। एंड ये एक बेटर वाले हैबिट भी है जो आपको अपने राइडिंग स्टाइल में ऐड करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये 5 कॉमन मिस्टेक का आइडिया टोटली हो चुका होगा। अगर आप इसको जाने अनजाने में फॉलो करते हैं तो अगली बार से इसको इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे। एक बार में नहीं होता है, बट आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आप जो है अपनी राइडिंग हैबिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे आपका BS3 है, BS4 है, BS6 है। एंड दोस्तों BS6 के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा, जितने भी नए राइडर हैं उनको माइलेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने मिल रही है। ऑब्वियसली बात है कि जो फ्यूल इंजेक्टर लगाया हुआ था, जो ECU लगाया हुआ था, पूरा कैलकुलेटेड वे में करता है, तो आपको माइलेज अच्छी मिलनी चाहिए। बट बहुत सारे राइडर को जो है वो माइलेज बहुत ही बेकार मिल रही है, मतलब 25-30 कैसे मिल रही है, 30-35 कैसे मिल रही है, बट माइलेज जो है उसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट दोस्तों ये टोटली राइडिंग स्टाइल पे है, ये 5 मिस्टेक में से कोई ना कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी बाइक जो है प्रॉपर माइलेज नहीं दे रही है। एंड अगर आप 5 के 5 मिस्टेक अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार सर्विस सेंटर में अपनी बाइक जरूर दिखाइए, कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है वो कैलकुलेशन में हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपके पास कौन सा मॉडल है और कितना एवरेज देता है जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉग को। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप ले आते रहेंगे। बाय।